मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है दो स्नैक्स को, एक वाइट कलर की और दूसरा ग्रीन कलर की। ये दोनों स्नैक्स सिस्टर्स होती हैं। ये दिखने में यंग लगती है लेकिन ये दोनों की एज 1000 साल से भी ज़्यादा होती है। वाइट स्नैक का नाम होता है सुजन। इन दोनों में एबिलिटी होती है कि ये दोनों इंसान का रूप ले सकते हैं। एक दिन इस दोनों स्नैक्स को एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम सियान है। सियान पहाड़ों पर लगे फूलों को टेस्ट कर रहा होता है। इस बात से दोनों स्नैक्स को हैरत होती है कि क्या इंसान भी फूल खाते हैं। असल में सियान अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ हर्ब्स यानी जड़ी बूटियाँ सर्च करने आया होता है। सियान अकेला ही पहाड़ों के जरिए आगे बढ़ रहा होता है तभी ग्रीन स्नैक सियान को पूरी तरह से स्नैक बनकर डराती है और सियान नीचे नदी में गिर जाता है। ये देखकर वाइट स्नैक यानी सुजन को उस पर तरस आता है क्योंकि सियान को तैरना नहीं आता और वो डूब रहा होता है। सुजन इंसान का रूप लेकर नदी में जाती है और डूब रहे सुजन को अपना सांस देती है और उसकी जान बचाती है। सियान की हेल्प करने के बाद, उसकी जान बचाने के बाद सुजन वहाँ से चली जाती है। सियान की जब आँख खुलती है तो वो अपने चारों तरफ अपने फ्रेंड्स को पाता है। वो अपने फ्रेंड्स से पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वो कहाँ गई। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं थी बल्कि वो सिर्फ तुम्हारे इमेजिनेशन थे। उसी दिन गांव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाने वाला होता है। इस फेस्टिवल में टेंपल का मास्टर और उसके साथी भी उसके साथ जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें डाउट होता है कि इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर इंसानों को मार डालने वाले हैं। सियान जड़ी बूटी लेकर वहां पर जा रहा होता है इसलिए वो मंदिर के मास्टर और उसके साथी को भी अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ सुजन सियान की जान बचाने वाली, सांस देने वाली मोमेंट को मिस कर रही होती है। वो लगातार उस मोमेंट को मिस कर रही होती है। असल में वो सियान से प्यार करने लगती है। सुजन अपनी सिस्टर से कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसे मैंने सांस दी है, जिसकी मैंने जान बचाई है। उसके बाद ये दोनों भी गांव में होने वाले फेस्टिवल में जाते हैं। उसी रात मास्टर और उनका साथी भी मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि मॉन्स्टर्स कभी भी इंसानों पर अटैक कर सकते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन स्नैक मास्टर के एक साथी से मिलती है क्योंकि ग्रीन स्नैक को वो अच्छा लगता है, वो उससे दोस्ती करना चाहती है। लेकिन मास्टर का साथी कहता है कि फिलहाल मैं तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर मैं उन मॉन्स्टर को पकड़ने आया हूँ जो इंसानों पर हमला करने वाले हैं। लेकिन वो नहीं जानता है कि जो लड़की उससे बात कर रही है, जो उससे दोस्ती करना चाह रही है, वो भी एक मॉन्स्टर है। तभी ग्रीन स्नैक को सियान नज़र आ जाता है। वो उसके पास जाती है और कहती है कि मेरी सिस्टर तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे मिलना चाहती है। सियान कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता और वो उसकी सिस्टर से मिलने के लिए इनकार कर देता है। इसके बाद ग्रीन स्नैक रिवर में जाती है और सियान के बोट को धक्का लगाकर अपनी बहन के पास ले जाती है। सियान जैसे ही सुजन के पास आता है वो उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सियान कहता है कि मैं तो लेकिन किसी और से प्यार करता हूँ मगर मैं ये नहीं जानता कि वो लड़की है कौन। उसने मेरी जान बचाई थी मुझे सांस देकर। ये सुनकर सुजन तुरंत समझ जाती है कि ये मेरे ही बारे में बात कर रहा है और ये भी मुझसे प्यार करता है जिस तरह मैं इसे प्यार करती हूँ। वो उसे यकीन दिलाने के लिए उसे फिर से पानी के अंदर ले जाती है और वो उसे इस बात का रियलाइज़ भी करवाती है कि वो मैं ही हूँ जिससे वो प्यार करता है और जिसने उसकी जान बचाई है। अब सियान को भी पता चल जाता है कि यही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। मास्टर के कुछ साथी को कुछ मॉन्स्टर नज़र आ जाते हैं इसलिए वो उन मॉन्स्टर का मुकाबला करते हैं। तभी मास्टर के एक साथी को एक मॉन्स्टर काट लेता है इसलिए वो मास्टर को मदद के लिए बुलाता है। तभी वहाँ मास्टर आ जाते हैं और उनसे सामना करते हैं और उन्हें जहन्नुम में ले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें जलाकर मार देते हैं। दूसरे दिन सुजन सियान के घर जाती है। सियान उसे अपने घर में देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दिन शादी भी कर लेते हैं। मास्टर का एक साथी जिसे मॉन्स्टर ने काट लिया था अब वो धीरे धीरे वो भी मॉन्स्टर में तब्दील हो रहा होता है और वो काफ़ी अपसेट हो जाता है ये सोचकर कि अगर वो पूरी तरह से मॉन्स्टर बन जाता है तो वो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा। वो एक सुनसान जगह पर जाकर सुसाइड कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर ग्रीन स्नैक आ जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो प्लीज। जिस पर वो जवाब देता है कि मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊँगा और मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं बन सकता, इसलिए मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ,
ये सुनकर ग्रीन स्नेक अपनी रियलिटी बताती है और उसे अपनी स्नेक वाली जुबान उसे दिखाती है। वो कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर बन भी गए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी तो एक मॉन्स्टर ही हूँ। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि मास्टर एक गांव में जाते हैं और वो देखते हैं कि मॉन्स्टर के विक्टिम्स वहां पर डिफ़िकल्टी का सामना कर रहे हैं, इसलिए सियान इन लोगों के लिए जड़ी बूटी ढूंढकर दवा बनाता रहता है। सुजन जानती है कि उन लोगों पर मॉन्स्टर ने अटैक किया था जो काफ़ी पावरफुल और ख़तरनाक भी हैं, और वो ये भी जानती है कि ये सिर्फ जड़ी बूटियों से ठीक नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो अपने हस्बैंड की मदद के लिए और उन लोगों की मदद के लिए अपनी सांस उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। सुजन के पास एक चूहा होता है जो उसका फ्रेंड भी है। वो सुजन को कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है कि ये तुम क्या कर रही हो, अपनी सांस दे रही हो, तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है, अपनी सांस की पावर देखकर तुम कमज़ोर हो जाओगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब सियान अपनी बनाई हुई जड़ी बूटियां गांव के लोगों को पिलाता है तो वो नॉर्मल होने लगते हैं, ठीक होने लगते हैं। ये देखकर मास्टर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि मास्टर जानते थे कि ये सब ठीक होने वाले नहीं हैं, मगर ये सब देखकर वे हैरान रह जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इसलिए मास्टर सियान से पूछता है कि ये जड़ी बूटियां से दवा बनाने के लिए क्या तुम्हारी किसी ने हेल्प की थी, जिस पर सियान कहता है कि मेरी वाइफ ने मेरी हेल्प की थी इस दवा को बनाने में। मास्टर को अब पता चल चुका है कि इसकी वाइफ कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है, इसलिए मास्टर सियान को एक होली नाइफ देते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। फिर मास्टर सियान के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम एक मॉन्स्टर होकर एक इंसान से शादी कर ली और इंसानों के साथ इंसान बनकर रहती हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तुम सियान को छोड़कर चली जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें मार डालूँगा। ये कहकर मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। रात को सियान जब घर आता है तो वो वाइन लेकर आता है, और ये कोई आम वाइन नहीं होती बल्कि इसमें मेडिसिन मिलाई होती है ताकि स्नेक के काटने से जहर ना फैले। इसके बाद सियान सुजन को भी वाइन पिलाता है। वाइन पीने के बाद सुजन को अजीब सा फील होता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। सियान उससे कई बार पूछता है कि आखिर तुम कैसा क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरी किसी बात को लेकर नाराज हो। इसके बाद सुजन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और स्नेक बन जाती है। सुजन को पकड़ने के लिए मास्टर भी आ जाते हैं और उन दोनों का आमना सामना होता है। सियान उस होली नाइफ से स्नेक को स्टैब कर देता है जो उसे मास्टर ने दिया था, और वो नहीं जानता था कि ये वाइट स्नेक ही मेरी वाइफ है। चाकू लगने के बाद सुजन अपनी बहन ग्रीन स्नेक के पास चली जाती है। अब क्योंकि सुजन को होली नाइफ से मारा गया था और अब वो कभी भी इंसान नहीं बन सकती बल्कि वो अब स्नेक ही रहेगी, सियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई, जिस पर मास्टर कहता है कि असल में ये वाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी, तुमने एक मॉन्स्टर से शादी की थी जिसकी एज 1000 साल से भी ज़्यादा थी। सियान ये सुनने के बाद कि मेरी वाइफ एक मॉन्स्टर है, वो शॉक्ड रह जाता है। सुजन का फ्रेंड चूहा सियान को कहता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे सुजन की जान बच सकती है, मगर उस जड़ी बूटी को हासिल करना रिस्की है और किसी खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर का साया है। मगर इसके बावजूद भी सियान वहाँ पर जाता है और हिम्मत करके वो जड़ी बूटी हासिल कर लेता है, लेकिन सियान पर उन मॉन्स्टर का साया पड़ जाता है, इसलिए मास्टर के सारे साथी सियान को बचाने की कोशिश करते हैं। चूहा सियान को जाकर वो जड़ी बूटी दे देता है जिससे उसकी जान बच जाती है और अब वो फिर से इंसान का रूप ले सकती है। सुजन ठीक होते ही मास्टर और उनके साथी पर अटैक कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सियान से उससे अलग करना चाहते हैं। किसी तरह से सुजन सियान को एक जगह पर ले आती है और वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, पर सियान की मेमोरी लॉस्ट हो चुकी होती है और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। वो अपनी वाइफ सुजन को भी भूल चुका होता है। सुजन मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे हस्बैंड के साथ क्या किया, वो मुझे भूल चुका है। पर थोड़ी देर बाद सियान को सब याद आ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, लेकिन सुजन एक मॉन्स्टर होती है इसलिए मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक एंसेंट हाउस बनाता है और सुजन को हमेशा के लिए कैद कर देता है, और अब इस घर से बाहर आना बिल्कुल नामुमकिन है। पर सियान अपनी पूरी लाइफ उस बिल्डिंग के बाहर अपनी वाइफ सुजन का वेट करते करते गुजार देता है। मास्टर का एक साथी भी एक मॉन्स्टर बन गया था,
लेकिन वो एक अच्छा मॉन्स्टर है और वो हमेशा के लिए ग्रीन स्नेक के साथ रहा।